And let's take a look now at the rain devastation in the Himalayan states of Uttarakhand and Himachal Pradesh. A building comes crashing down amid angry, swirling waters. This after cloudbursts in Shimla, Mandi and Kullu districts of Himachal Pradesh. Houses and roads washed away and two hydropower projects damaged. At least two people have died and over 50 people are still missing. The wrath of nature turning the picturesque valley into an angry swirl of water. Authorities have ordered the closure of all schools and colleges in Kullu and Mandi. प्रदेश की जो अभी स्थिति है वो नियंत्रण में है लेकिन जान माल का भी नुकसान हुआ है और प्रदेश की सड़कों को भारी नुकसान हुआ है मनाली जो है मनाली पूरे देश से कट चुका है कुल्लू तक आवाजाही में भी प्रभाव आवाजाही में भी जो रुकावटें पैदा हुई है तो मेरा ये मानना है कि हमारा सभी प्रदेश की जनता से ये अनुरोध है कि वो इस समय नदी नालों के पास ना जाकर हम नदी नालों से दूर रहें यही मैं उनसे अपील करना चाहता हूं टीम्स ऑफ द एनडीआरएफ एंड आईटीबीपी पुलिस एंड होम गार्ड्स हैव स्टार्टेड रेस्क्यू ऑपरेशंस रोड कनेक्टिविटी इन अफेक्टेड एरियाज हैज बीन सीवियरली डिस्ट्रप्टेड विद फोर मोटरेबल ब्रिजेस एंड फुट ब्रिजेस बीइंग वॉश्ड अवे ड्रोन्स आर आल्सो बीइंग यूज्ड टू लोकेट मिसिंग पीपल आई मीन द सिचुएशन इज बैड we are responding. We have already sent four of our teams, which are there at these various locations. So again, here, because the roads were cut off, the team had to travel long distances. At one place, they had to go 10 kilometers. And you may be aware that the terrain there is hilly. So they had to cover that terrain by road, and they had the heavy equipment on their back. So, but luckily, they have reached the spot. They are trying to help out people, to evacuate people, and to see what best is possible. एनडीआरएफ एसडीआरएफ और पुलिस की टुकड़ियां जगह इन सभी जगह स्थानों के लिए रवाना हो गई हैं और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चले हुए हैं आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया में किस प्रकार से एनडीआरएफ और हमारी जो रेस्क्यू टीम्स है किस प्रकार के बचे हुए लोग जो फंसे हुए लोगों को किस प्रकार से रेस्क्यू कर सकते हैं कर रहे हैं भारी बारिश का जो अलर्ट है हमारा अगले कल जो है 2 तारीख की सुबह 6 बजे तक था लेकिन अभी शाम के टाइम में और अलर्ट आएगा जो भी डाटा आईएमडी के पास होगा उसके बेस पर के ये जो अलर्ट है ये रिवाइज भी हो सकता है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह स्पोक टू द हिमाचल चीफ मिनिस्टर एंड ऑफर्ड ऑल पॉसिबल हेल्प उत्तराखंड टू इज स्ट्रगलिंग विद लैंडस्लाइड्स द डेथ टोल अक्रॉस द स्टेट इज माउंटिंग At least 10 people have died in Kedarnath and 4 missing in rain-related incidents in Dehradun, Haldwani and Chamoli. 3 others have died so far and another injured after a cloudburst in Jakhanyali in Tehri Garhwal district. Several others are still missing. जखनियाली और बेलगांव के आसपास जो क्लाउड बस्ट हुआ था उससे कि उससे जखनियाली में 3 जनानी हुई हैं 3 लोगों की डेथ हुई है और एक ही परिवार के हैं वो उसके अतिरिक्त कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज हुए हैं जैसे कि एक ब्रिज यहाँ पर जो एक मेन हाईवे था हमारा उसका ब्रिज डैमेज हुआ है और कुछ पशुहानी भी हुई है बाकी जो हमारे राहत बचाव कार्य कल रात से लगातार चल रहे हैं और जो भी लोगों की आवश्यकता है जो भी नीड है उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं और आगामी आने वाले टाइम में क्योंकि वैसा बताया जा रहा है कि पहले भी यहाँ पर ऐसी 10 साल पूर्व भी यहाँ पर ऐसी ही सिमिलर एक आपदा आई थी तो उसके लिए परमानेंट नेचर के क्या हम रिलीफ वर्क कर सकते हैं उस पर भी ध्यान देंगे Chief Minister Pushkar Singh Dhami has conducted an aerial survey. हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की At least 450 pilgrims headed for Kedarnath are stranded along the Gaurikund Kedarnath trek route after stretches were washed away by heavy rain overnight. An advisory has also been issued for Kedarnath bound pilgrims, asking them to wait in a safe place until the weather improves and the roads blocked there are restored. With Vidhi Sharma in Himachal and Kishore in Uttarakhand, Bureau Report, NDTV.